तो नाइन्थ क्लास में हम कर रहे थे सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर हमारा है बहुपद। एक्सरसाइज 2.5 हम कर रहे हैं। 2.5 में छठे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया था। अब हम इसमें कर रहे हैं छठे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो छठे क्वेश्चन में हमारी ये सर्व समीकरण लगेंगे, ए प्लस बी क्यूब या फिर ए माइनस बी क्यूब। अब ये क्वेश्चन आ जाता है, तो ये है माइनस में, तो इसमें ये सर्व समीकरण लग जाएगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो पहले अब a की वैल्यू क्या है, 2a, और b की वैल्यू है 3b। तो a की जगह आ जाएगा 2a क्यूब, b की वैल्यू आ जाएगी 3b क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी, ए की वैल्यू 2a और b की वैल्यू 3b। a माइनस b, a की वैल्यू 2a माइनस b, b की वैल्यू 3b। हमने इसको फार्मूले के अनुसार रख दिया, समझ आ रहा है। इसे ओपन कर लेते हैं, 2 × 4 × 8 ए क्यूब, 3 × 3 = 9 = 27, बी के साथ में क्यूब, 3 × 6 = 18, ए गुणा बी ए बी, अंदर वाला अभी ऐसे ही है, 8a³ = 27b³। अब ये गुणा है, 18 को एक बार इससे करना है गुणा, एक बार इससे गुणा करना है, 18 × 36, ए की शक्ति 1, ए की शक्ति 1 क्या हो जाएगा, ए की शक्ति 2 बन जाएगा, शक्तियाँ जुड़ जाएंगी। बी यहाँ है, यहाँ बी नहीं है, इस 2a के साथ भी नहीं है, तो बी केवल ऐसे का ऐसा ही आ जाएगा, बी के साथ कोई किसी की शक्ति नहीं जुड़ेगी। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके जो निशान है वो देखते हैं, ये माइनस और इसके आगे माइनस, माइनस माइनस गुणा करते हैं तो क्या बन जाता है, प्लस। अब 18 × 3 = 54। अब इसमें a है, लेकिन क्या इसमें a है, नहीं है, तो a ऐसे का ऐसा आ जाएगा, b की शक्ति 1, b की शक्ति 1 क्या बन जाएगा, b की शक्ति 2, समझ आ गया है। इसके बाद इसका चौथा पार्ट देखते हैं हम, तीसरा अपने आप से निकालोगे। चौथा पार्ट है x माइनस 2/3 y³, ये दिया। अब a की वैल्यू x, b की वैल्यू ये, a क्यूब यानी x क्यूब माइनस है, माइनस वाला फार्मूला बनेगा, b की वैल्यू 2/3 y³ माइनस 3ab, a की जगह x और b की जगह 2/3 y, इंटू ए माइनस बी, ए की जगह x और b की जगह 2/3 y। अब x गुणा x गुणा x, x क्यूब तो ये ऐसे ही रहेगा। अब ये क्यूब 2 के लिए है, 3 के लिए है, y के लिए है, जब 2 के लिए है तो 2 × 4 × 8, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 3 का जो क्यूब है बटे, तो 3 × 3 = 9 = 27, 3 बार गुणा करेंगे ना 3 को, तो ये आ जाएगा 27, और y के लिए जब है तो ये y क्यूब। अब यहाँ 3 से 3 कट जाता है, माइनस 2 तो है ये, एक्स गुणा वाई एक्स वाई, अंदर यहाँ क्या बचता है, एक्स माइनस 2/3 y, क्लियर है, एक्स क्यूब माइनस 8/27 y³। अब इसको पहले इससे गुणा करेंगे, 2 × 1 = 2, एक्स गुणा एक्स क्या हो जाएगा, एक्स की 2, वाई यहाँ है यहाँ नहीं है, तो वाई ऐसे ही रह जाएगा। अब इसे हम इससे गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, क्या इस 2 से ये 3 कट सकता है, नहीं कट सकता, तो गुणा हो जाएगा ऊपर वाला, 2 × 2 = 4, एक्स यहाँ पे नहीं है, तो ये एक्स ऐसे का ऐसा, वाई गुणा वाई वाई स्क्वायर, और ये बटे में 3 था ही, क्लियर है। तो इस तरह से ये हमारा छठा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सातवें क्वेश्चन में हमें क्या करना, जब ये रकम थी तो हमने इसे सर्व समीका में रख करके ये आंसर निकाल दिया, अब हमें ये आंसर दिया जाएगा और इससे हमें वापस ये रकम बनानी है, ये स्टेटमेंट बनानी है। तो इस तरह के अब दो ही क्वेश्चन होते हैं, या तो a प्लस बी क्यूब या फिर a माइनस बी क्यूब। अगर सभी जगह प्लस है तो इसका मतलब क्या बनेगा, a प्लस बी क्यूब बनेगा, यदि माइनस में है तो क्या बनेगा, माइनस में। तो एक ये दूसरी फॉर्म में दिया हुआ होता है कई बार, जैसे अब हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है, मैंने आठवें क्वेश्चन के बारे में बता दिया, गुणनखंड कीजिए, लेकिन उससे पहले हमारा सातवां क्वेश्चन आ जाता है, तो सातवां क्वेश्चन कर लेते हैं पहले हम।
सातवें क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, उपयुक्त सर्व समीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो सर्व समीका का प्रयोग करना, 99 की शक्ति 3, 99 के दो टुकड़े बना देते हैं, 99 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 - 1 की शक्ति 3। तो अब ये वाली सर्व समीका बन गई ए क्यूब, ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 1, 100 क्यूब, बी क्यूब में क्या आएगा ए क्यूब, 3 × a × b, ए की वैल्यू 100 और बी की वैल्यू 1, फिर ए की वैल्यू 100 और बी की वैल्यू 1, ठीक है। 100 की शक्ति 3 है, 100 × 100 × 100, हम 3 बार गुणा करेंगे, तो जितनी भी जीरो हैं इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हैं इसमें। तो एक, जब एक एक एकम एक एकम एक, और जो दो जीरो हैं क्यूब में कितनी बन जाएंगी, टोटल 6 बन जाएंगी, 4 5 6, एक एकम एक एकम एक, 100 * 300 = 300 × 100 - 1, 1 2 3 4 5 6। अब इसको पहले इससे गुणा करेंगे, 3 × 3 1 2 3 4, 1 2 3 4, 300 * 300 माइनस माइनस गुणा करेंगे तो बन जाता है प्लस। अब इसमें से हम पहले एक को माइनस कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक को माइनस कर लेते हैं, तो 10 में से एक गया 9, यहाँ पर क्या बचेगा 9, यहाँ क्या बचेगा 9, यहाँ पर 9, यहाँ 9, और इस 10 ने एक इसको हासिल दिया तो क्या बच गया 9। इसमें से अब हम 30,000 माइनस कर लेते हैं, 9 9 9 9 9 में से 3 गया 6 9। अब लास्ट में इसमें 300 प्लस में है, जोड़ लेते हैं, 9 3 12 9 1 10 6 1 7 1 9, तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। अगर डायरेक्ट ऐसे माइनस प्लस ना कर सको तो गलत करने से अच्छा है इसको ऐसे एक तरफ साइड में रफ में निकाल करके देख लेना। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो 102 की 3 है, 102 के टुकड़े क्या बन सकते हैं, अब ये फार्मूला बन जाएगा, कर लोगे इसको अपने आप। थर्ड पार्ट है इसका 998 की शक्ति 3। अब 998 के टुकड़े हम क्या बना सकते हैं, 100 की फॉर्म में, 1000 की फॉर्म में, यदि हम 1000 में से 2 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 998, 1000 - 2 998। अब ये ए की वैल्यू बन गई और ये बी की वैल्यू बन गई, ए क्यूब यानी 1000 क्यूब, बी यानी 2 क्यूब, 3 × a की वैल्यू 1000 और बी की वैल्यू 2, 1000 - 2। अब 1000 की 3 है, 3 3 6 3 9, कितनी जीरो आ जाएंगी, 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की 3 2 × 4 × 8, 3 × 6 6 × 6, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको इससे गुणा करना है, माइनस प्लस, ये प्लस है यहाँ, माइनस प्लस माइनस, 6 × 6, 3 ये और 3 ये, कितनी हो गई, कितनी हो गई, 3 3 6 हो गई, 3 + 3 6, 0 टोटल काउंट करके लिख देंगे गुणा करने में। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, 6000 × 12000, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, सीधा माइनस ना करना है तो ऐसे करना, 3 3 6 और 3 9, इसमें से पहले 8 को माइनस कर लेते हैं, 10 में से 8 गए 2, ये बचा 9, ये बचा 9 9 9 9 9 9, और इस 10 की जगह 9, इसमें से आगे 1 2 3 4 5 6, और ये है फिर 6 2 9 9 9 9 9, अब 9 में से 6 गए 3, ये 9 और ये 9, फिर उसमें हमने 12000 को जोड़ना है लास्ट में, तो 2 9 9 9 + 2 11 9 10 और 1 11 9 और 1 10 3 और 1 4, ये आ जाएगा हमारा 9 9 4 0 1 1 9 9, क्लियर है।
तो इस तरह से हमारा ये सातवां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो अब इसमें आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। आठ ए की तीन प्लस बी की तीन, बारह ए स्क्वायर बी, छः ए बी स्क्वायर। यदि इसे हम आगे और भी ओपन करें तो देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तीन एकम, यहाँ पर एक है, ए गुणा ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, बी यहाँ है यहाँ नहीं है, बी प्लस प्लस प्लस, तीन यहाँ पर एक है, तीन एकम तीन, ए यहाँ है यहाँ नहीं है, तो ए ऐसा ही आ जाएगा, बी गुणा बी क्या बन जाता है, बी स्क्वायर। ऐसे ही इसे भी यदि और आगे हल किया जाए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब तीन माइनस प्लस माइनस, ए गुणा ए, ए स्क्वायर और ये बी, फिर माइनस माइनस प्लस, तीन एकम तीन ए, बी गुणा बी, नहीं ए अकेला है यहाँ, ए था बी स्क्वायर। तो यदि हमें स्टेटमेंट इस फॉर्म में है तो इसका मतलब क्या है, वो प्लस वाली सर्वसमिका। यदि स्टेटमेंट हमें ऐसे दी हुई है तो इसका मतलब ये कौन सी सर्वसमिका, ये वाली ए माइनस बी। तो इससे हम या तो ये बनाएंगे या फिर ये बनाएंगे, क्योंकि सभी निशान प्लस हैं, तो कौन सी बनेगी, प्लस वाली। अगर पीछे यहाँ पर माइनस आ जाता है तो फिर कौन सी बनेगी, माइनस वाली। तो अब हमें वापस ये आंसर गिवन है, हमें वापस स्टेटमेंट बनानी है। इससे हम देखते हैं कि आठ किसका क्यूब होता है, आठ किसका क्यूब होता है, दो का, दो क्यूब मतलब दो गुणा दो गुणा दो, दो दूनी चार दूनी आठ। तो आठ को हम क्या लिख सकते हैं, दो ए क्यूब, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। बी के आगे कुछ नहीं है तो खाली बी रह जाएगा, ये एक एकम एक एकम एक। अब ये हमारा जो है, इसको तो मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी, ये हो गया ए क्यूब, ये हो गया बी क्यूब। अब क्या है, थ्री ए बी, तीन इंटू ए का मान क्या है, दो ए, और बी का मान क्या है, ये बी इंटू ए प्लस बी, ए की जगह दो ए और बी की जगह बी। समझ आ गया, हमें ये जो स्टेटमेंट है ये ऐसे दे रखी है, तो हमने इसके अनुसार ये बना दिया, ए की जगह ए रख दिया, बी की जगह बी रख दिया। अब देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, किसका फार्मूला है ये, ए प्लस बी क्यूब। ए की वैल्यू क्या है, दो ए, और बी की वैल्यू क्या है, बी, ये ए की और ये बी की। तो ये जो है ये इसका आंसर। अब इसकी शक्ति तीन है तो हम इसे कितनी बार लिख सकते हैं, तीन बार, ठीक है, आया समझ में, प्लस है। अब ऐसे ही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ क्या है कि यहाँ ये माइनस गिवन है हमें और यहाँ प्लस है, तो देखो हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, फार्मूला में माइनस होता है सब में, माइनस लगा दिया तो ये भी किसका फार्मूला बन जाएगा, माइनस का, माइनस माइनस माइनस, ये सेकंड पार्ट हो जाता है, स्टेटमेंट वही है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, सत्ताईस माइनस एक सौ पच्चीस ए क्यूब माइनस एक सौ पैंतीस ए प्लस दो सौ पच्चीस ए स्क्वायर, ये है। नाइन्थ के हो तुम, अच्छा टेंथ में होगी। अब ये देखो, सत्ताईस किसका क्यूब होता है, तीन का, ए बी सी तो कुछ है नहीं साथ में,
125, पहली बात तो ये देखो ऐसे बी ए क्यूब है, ए है सिर्फ, 125 ए क्यूब ये नहीं है, माइनस वाले में है तो ये फार्मूला बनेगा। 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, इसके साथ में ए है, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 ए क्यूब, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, 3ab, 3 गुना ए का मान 3 और बी का मान 5, ए माइनस बी, ए का मान 3 और बी का मान 5 ए। अब ये किसका फार्मूला बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी क्यूब, ए की वैल्यू क्या होगी 3 और बी की वैल्यू 5 ए। अब इसकी शक्ति 3 है तो हम इसे कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार। क्लियर। अब इसके बाद इसका लास्ट पार्ट करेंगे, चौथा अपने आप से निकाल लोगे। पांचवा पार्ट है 27 पी क्यूब 1/216 9/2p² 1/4p, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये इस फॉर्म में दे रखा है और ये किसका होता है फॉर्मूला, ए माइनस बी क्यूब, तो हम इससे ए माइनस बी क्यूब बनाएंगे। 27 जो है किसका क्यूब होता है, 3 का, 3 * 9 = 27 पी क्यूब। 1 किसका क्यूब होता है, 1 का ही होता है, घन और वर्ग वाली टेबल 8th क्लास में की होगी तुमने। 216 किसका घन होता है, 6 * 6 = 36 + 36 = 216, ऐसे बना देंगे इसको, ये क्यूब इसका भी है इसका भी। अब ये ए क्यूब हो गया, ये बी क्यूब हो गया, आगे क्या है, माइनस 3ab, ए की वैल्यू 3p और बी की वैल्यू 1/6, ए की वैल्यू 3p और बी की वैल्यू 1/6। अब ये फार्मूला बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, इसका ए की वैल्यू 3p और बी की 1/6 क्यूब आ जाता है इसे। अब क्योंकि इसकी शक्ति 3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। नौवां क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए कि फर्स्ट पार्ट x³ + y³ (x+y) * x² - xy + y² हमें इसको सत्यापित करना है, यानी सिद्ध करना है। ये और इसका जो आंसर होगा, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। हम इन दोनों को इक्वल प्रूव करके दिखाएंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड है क्योंकि हमारे लेफ्ट हाथ की तरफ है, और ये राइट हैंड साइड है क्योंकि हमारे ये लेफ्ट राइट हैंड की तरफ है। तो हम इस क्वेश्चन में इस राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। अब राइट हैंड साइड क्या है वो लिख दो, x + y (x²) - xy + y², ठीक है। अब गुणा करेंगे, इसको पहले गुणा करेंगे x से, फिर इसे गुणा करेंगे हम y से। x * x²- xy + y², x से किया पहले, x से इसको, अब किससे करेंगे इसको, y से। तो ये प्लस है तो प्लस लगा देंगे, यदि माइनस है तो माइनस लगा देंगे। तो ये y आ गया, अब y से इसको करेंगे हम x² - xy + y². अब x से गुणा करते हैं, x की एक है, x की एक, x की दो, गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, x की 3
माइनस एक्स की एक क्या हो जाएगा, एक्स की शक्ति दो, ये वाई है साथ में, प्लस एक्स गुणा वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक्स वाई, एक्स को यदि वाई स्क्वायर से करेंगे तो, ठीक है। अब इसे हम गुणा करेंगे वाई से, प्लस 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 वाई गुणा एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर वाई। अब प्लस माइनस माइनस, यहाँ एक्स है, यहाँ है एक्स नहीं है, तो एक्स ऐसे ही आ जाएगा। वाई की एक और वाई की एक, वाई की एक वाई की एक कितना हो जाएगा, वाई की एक वाई की एक वाई की दो, प्लस 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 वाई की एक वाई की दो, दो और एक तीन। अब देखो एक्स की दो वाई माइनस में और एक्स की दो वाई प्लस में, कट जाएगा एक्स वाई की दो प्लस और एक्स वाई की दो माइनस, माइनस प्लस ये भी कट जाएगा, तो क्या आ जाता है हमारे पास एक्स क्यूब, और वो क्या बचता है वाई क्यूब के आगे क्या निशान है, प्लस, तो प्लस आ जाएगा, ये आ गया। अब देखो हमने इसको लिया तो क्या ये आंसर आ गया हमारा, आ गया। ये राइट हैंड साइड था, ये कौन सा साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, तो जो हमने आंसर निकाला वो किसके इक्वल आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड। और नीचे हम लिख देंगे प्रूव्ड, सत्यापित, क्लियर है। सेकेंड पार्ट है इसका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये है सेकेंड पार्ट। तो इसमें भी हम पहले राइट हैंड साइड ले लेते हैं, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले किससे, एक्स से, एक्स इंटू ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, माइनस वाई से, पिछले क्वेश्चन में यहाँ प्लस था तो हमने प्लस वाई लगाया था, अब ये क्या है माइनस वाई, तो हम यहाँ लगा देंगे माइनस वाई, और ये आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो देखते हैं क्या इसको सॉल्व करके ये आता है या नहीं आता है। एक्स की एक एक्स की शक्ति दो क्या बन जाएगा, एक्स की तीन, एक्स गुणा एक्स, एक्स की दो कैसे आया, एक्स की एक एक्स की एक एक्स की दो, और ये वाई ऐसे का ऐसा, एक्स गुणा वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर। अब माइनस प्लस माइनस, एक्स की दो गुणा वाई एक्स की दो वाई, माइनस प्लस माइनस, एक्स तो यहाँ पर है, वाई की एक वाई की एक क्या बन जाएगा वाई की दो, माइनस प्लस माइनस वाई की एक वाई की दो क्या बन जाएगा वाई की तीन। अब देखो एक्स की दो वाई प्लस में और एक्स की दो वाई माइनस में, कट गया एक्स वाई की दो प्लस और एक्स वाई की दो माइनस, ये भी कट गया, तो ये आ जाता है एक्स की तीन, वाई की तीन के आगे क्या निशान है माइनस। क्या ये हमारा इस लेफ्ट हैंड साइड की तरह से आ गया, आ जाता है, तो इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये नौवां क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद कल करेंगे नेक्स्ट।